गुड आफ्टरनून बच्चों, पिछली क्लासेस में पिछली क्लास में 12 के लिए चुका था। उस क्लास में मैं बता चुका था कि कोडोमेन क्या होता है, डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है। डोमेन फर्स्ट एलिमेंट था ऑर्डर्ड पेयर का, रेंज सेकंड एलिमेंट था ऑर्डर्ड पेयर का, और कोडोमेन जो था वो सेकंड सेट ही हो जाता था पूरा पूरा। अब मुझे 12 के ही बेसिस पे पढ़ाना है। 12 के बेसिस पे पहले रिलेशन को बताना है, कितने टाइप्स ऑफ रिलेशन होते हैं। तो पहला रिलेशन हम लोग को पढ़ना है इक्विवेलेंस रिलेशन। इसकी डेफिनेशन ये है, अ रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज सेट टू बी इक्विवेलेंस ऑन अ सेट ए इफ एंड ओनली इफ इट सेटिस्फाइज थ्री कंडीशन, फर्स्ट रिफ्लेक्सिव, सेकेंड सिमेट्रिक एंड थर्ड ट्रांजिटिव। कोई रिलेशन आर किसी सेट पर, किसी सेट ए पर इक्विवेलेंस तब कहा जाएगा किसी सेट ए पर, ठीक है, जब ये तीनों कंडीशन फुलफिल होगी। ओके, फिर से सुनिएगा, अ रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज सेट टू बी इक्विवेलेंस ऑन अ सेट ए, उसी सेट पर, ठीक है, दोबारा भी उसी सेट पर, कोडोमेन को भी वही लेना है ए, उसी सेट पर, इफ एंड ओनली इफ इट इज सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ये तीनों कंडीशन अगर फुलफिल होगी तो हम कहेंगे कि सेट कैसा, रिलेशन कैसा है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। कैसा रिलेशन है? इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब चर्चा कर लेते हैं सारे टर्म्स की। पहला रिफ्लेक्सिव, दूसरा सिमेट्रिक और तीसरा है ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव की बात करें, इसमें फॉर एवरी एलिमेंट स्मॉल ए, हर एलिमेंट लेंगे कैपिटल ए का, स्मॉल ए ले लिया आर्बिट्रेरी एलिमेंट किसी सेट ए का, स्मॉल ए इज एलिमेंट ऑफ ए, ए कॉमा ए इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ रिलेशन। अगर कोई सेट से हम एक एलिमेंट ले लेते हैं तो उसी का डबल क्लोनिंग कर देंगे तो वो रिलेशन में पाया जाना चाहिए, तब इसको बोलेंगे कि ये जो रिलेशन है वो क्या है, रिफ्लेक्सिव है। जैसे एक एग्जांपल लिया है मैंने यहाँ, ए वन टू थ्री, कोई सेट ले लिया 1 2 3, तो 1 को अगर ले रहे हैं फॉर एवरी तो 1 कॉमा 1 उसका क्लोन भी उस रिलेशन में होना चाहिए, 2 कॉमा 2, 3 कॉमा 3 भी उस रिलेशन में अगर होता है तो ऐसे सेट को क्या बोलते हैं, ऐसे रिलेशन को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्सिव। समझ में आ गई पहली कंडीशन, कोई स्मॉल ए एलिमेंट है अगर कैपिटल ए का तो ए कॉमा ए भी उस रिलेशन में होना चाहिए, तो ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा रिलेशन। दूसरा सिमेट्रिक कब होगा रिलेशन, ए कॉमा बी कोई एलिमेंट होगा अगर ए का, ए कॉमा बी, तो ए कॉमा बी अगर तो रिलेशन का भी एलिमेंट हो जाएगा, तो इसके सीक्वेंस को चेंज कर देंगे, अगर ऑर्डर पेयर को चेंज कर देते हैं, ए कॉमा बी इज ऑल्सो रिलेशन, देन बी कॉमा ए, रिवर्स कर दिया, बी कॉमा ए भी रिलेशन का एलिमेंट होना चाहिए, 1 कॉमा 2 अगर रिलेशन में है तो 2 कॉमा 1 भी रिलेशन में होना चाहिए, तब जाके रिलेशन सिमेट्रिक होगा। एक एग्जाम्पल वही वाला, 1 2 3 लिया, 1 2 का ऑर्डर देखिए, 1 2 है रिलेशन होगा ना, आर सबसेट होगा इसका ए क्रॉस ए का, तो 1 2 आर में आएगा तो 2 1 भी आर में आएगा, रिवर्स हो गया। इसी तरह से ऑर्डर पेयर लेंगे, 1 3 पे नहीं जाएंगे, 1 2 हो गया फिर साइक्लिक ऑर्डर, 2 3 फिर 3 1, 2 3 को अगर लेते हैं तो 3 2 भी रिलेशन में आएगा, 3 2 भी होगा सबसेट ए क्रॉस ए का। इसी तरह 1 3 और 3 1 भी इसी सबसेट में आएगा आके। समझ में आ गई बात? इस तरह से अगर ए कॉमा बी 1 कॉमा 2 रिलेशन में है तो 2 कॉमा 1 भी अगर रिलेशन में होगा तो रिलेशन सिमेट्रिक होगा, ठीक है। ट्रांजिटिव पे आते हैं। ट्रांजिटिव का एग्जांपल ऐसे समझिए मैथमेटिकली, जैसे हमने, मेरा एक दोस्त था शुभम, मैंने शुभम से अगर हैंडशेक किया, शुभम ने निखिल से हैंडशेक किया, मैंने शुभम को टच किया, शुभम निखिल को टच किया, तो ये मान लिया गया कि मैंने भी निखिल को टच कर लिया, मैंने भी निखिल से हैंडशेक कर लिया। सेम वही चीज है, ए बी सी, यहाँ पे कोई भी एलिमेंट ले लेते हैं ए बी सी, एनी और ऑल में डिफरेंस है, रिफ्लेक्सिव में ऑल एलिमेंट सेटिस्फाई होगा, इसमें कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट ही लेंगे, ए कॉमा बी पूरा नहीं लेंगे, ए कॉमा बी ही लेंगे, इसमें भी ए बी सी कोई एलिमेंट है अगर ए का, ए बी रिलेशन बना रहा है एलिमेंट है आर से आर का, और बी सी कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट बना रहा है रिलेशन आर से, तो बी भी देखिए कॉमन है, तो ए सी भी बनाना चाहिए आर से,
जैसे ए बी रिलेशन बना रहा है आर से, एलिमेंट है आर का, बी सी भी एलिमेंट है आर का, तो बी भी कॉमन हो गया, तो ए सी भी एलिमेंट होना चाहिए आर का। एक एग्जांपल लिया, ए इज इक्वल टू 1 2 3, 1 2 अगर एलिमेंट है आर का, 2 2 3 भी एलिमेंट है आर का, 2 2 कॉमन हो गया, तो 1 3 भी एलिमेंट होना चाहिए आर का। तब इस कंडीशन में हम इस रिलेशन को कह सकते हैं कि ये रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव है। समझ में आ गई बात? इतनी बात अगर समझ में आ गई तो आगे क्वेश्चन लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है? समझ लीजिएगा। फिर इसको कोई स्मॉल ए आर्बिट्रेरी एलिमेंट, सारे एलिमेंट के लिए है ये। अगर कैपिटल ए में पाया जा रहा है तो उसका क्लोनिंग भी उसमें रिलेशन में पाया जाना चाहिए। जैसे ए इज इक्वल टू 1 2 3 है, अगर ए क्रॉस ए लेंगे तो आर सबसेट होगा ना, बता चुके थे पहले ही लेक्चर में। तो 1, 1 भी रिलेशन में होना चाहिए, 2, 2 भी, सबके लिए है ये, फॉर ऑल लिखा है। लेकिन इसमें फॉर एनी क्यों हो जाता है? क्योंकि 1 2 3 में से केवल 1 2 ही ले सकते हैं, फिर 2 1 लेंगे, रिवर्स कर देंगे। ऑल के लिए रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव फॉर एनी के लिए। समझ में आ गया? इस तरह से ए बी अगर कहते हैं रिलेशन आर में है तो बी कॉमा ए भी रिलेशन आर में होना चाहिए। ए इज इक्वल टू 1 2 3 ऑर्डर से लेंगे, 1 2 अगर रिलेशन में है तो 2 1 भी होगा, 2 3 रिलेशन में है तो 3 2 भी होगा, 3 1 रिलेशन में है तो 1 3 भी, साइक्लिक ऑर्डर होगा। इसी तरह से ट्रांजिटिव में ए बी सी एलिमेंट अगर ए का है तो ए बी, अगर एलिमेंट आर का है, बी सी एलिमेंट आर का है तो बी बी कॉमन हो गया, ए सी भी एलिमेंट होना चाहिए आर का। जैसे हमने शुभम से हाथ मिलाया, शुभम ने निखिल से मिलाया, तो हमारा भी निखिल से रिलेशन होना चाहिए, हमने भी उसके साथ हैंडशेक कर लिया। इतनी चीजें क्लियर हो गई तो आगे क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कभी कभी पूछता है डज नॉट एग्जिस्ट रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव कब नहीं होगा? जब ए एलिमेंट होगा ए का, लेकिन ए कॉमा ए डज नॉट एलिमेंट ऑफ कैपिटल आर। उसी तरह सिमेट्रिक कब नहीं होगा? ए बी अगर एलिमेंट ए का आर का होगा तो बी कॉमा ए नहीं होगा, डज नॉट एग्जिस्ट इन आर, ठीक है? डज नॉट एग्जिस्ट कब ट्रांजिटिव, डज नॉट ट्रांजिटिव कब होगा? ए बी अगर एलिमेंट होगा आर का, बी सी एलिमेंट होगा आर का, बट ए सी नहीं होगा एलिमेंट, डज नॉट एग्जिस्ट इन आर, तब ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। ये तीनों कंडीशन अगर समझ में आ गई तो इसका कन्वर्स भी समझ में आएगा। इसके बाद वाले वीडियो में हम क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। थैंक यू।